हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल एडवाइज में। दोस्तों मैं आज आपको हॉनर मैजिक 2 का एक रिव्यू करके बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके प्राइस, आप कहाँ से इसको खरीद सकते हो, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा दोस्तों तो इसको लाइक करो। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर निकल के आता है हॉनर मैजिक 2 में, जो इसका स्लाइडिंग बैक पैनल। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है दोस्तों इसका, ये जो ऊपर का एक स्लैब की तरह काम करेगा और नीचे का जो है वो एक स्लाइडर की तरह नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है। दोस्तों मतलब यहाँ पे आपको फ्रंट में कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप फ्रंट में आपको पैनल के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, फुल HD डिस्प्ले आप पे आपको मिल रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और पीछे के साइड में आपको ड्यूल कैमरा और एक फ्लैशलाइट मिलेगा। दोस्तों तो ये बहुत जबरदस्त फीचर ये लेके आ गए दोस्तों हॉनर वाले, जिसमें वो उन्होंने दो कैमरा आगे दिए। मतलब जब हमको कैमरा का यूज रहेगा तभी वो स्लाइड ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा और यहाँ पे जो हमको रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करेगा और ऑटोमेटिकली वापस नीचे भी चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो ये फ्लैश है और ये ड्यूल कैमराज है। तो इस प्रकार कुछ रहेगा दोस्तों, फुल डिस्प्ले यहाँ पे विदाउट एनी नॉच हमको मिलने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त फोन मेरे को तो लग रहा है दोस्तों। हम इसके स्पेसिफिकेशन में आपको बताता हूँ किस प्रकार रहेंगे। तो यहाँ पे हमको एक एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाती है बॉडी, जो एल्यूमिनियम फ्रेम की बॉडी मिल जाती है। एक बैक पैनल जो रहेगा वो ग्लास का रहेगा, जो ओप्पो के फोन पे आता था दोस्तों पहले, वैसे हमको बैक में एक ग्लास मिलेगा। और इसका जो वेट जो है 206 ग्राम है, तो हैवी तो है दोस्तों फोन थोड़ा सा, क्योंकि इसके स्लाइडिंग फीचर के कारण। और यहाँ पे कलर हमको एक ब्लैक एंड रेड कलर मिल जाते हैं, दो कलर हमको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे स्क्रीन की बात करें तो 3.39 इंच की यहाँ पे हमको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे फुल HD प्लस 2340 मतलब 2340x1080 पिक्सल के साथ यहाँ पे 403 PPI के साथ हमको यहाँ पे मिलती है दोस्तों डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्वालिटी तो ठीक ठाक है दोस्तों, पर यहाँ पे एक जो मेन फीचर जो आता है यहाँ पे सुपर एमोलेड, जो एमोलेड डिस्प्ले जो सैमसंग की टेक्नोलॉजी जो है वो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पे हमको अच्छा एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। और पर रियर कैमरा की बात करें तो हमको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का फीचर यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों, टू अचीव अल्ट्रा वाइड एंगल। देख सकते हैं यहाँ पे आप एक वाइल्ड एंगल का एक पिक्चर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ। मतलब हमको 16 MP के दो कैमरा और एक 24 MP का यहाँ पे एक कैमरा, ऐसे ट्रिपल कैमरा हमको मिलेंगे जो हमको डेप्थ अचीव करने में वर्क करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जिससे हम डेप्थ अचीव कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, मतलब यहाँ पे DSLR मोड यहाँ पे वर्क करेगा दोस्तों। यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये भी हमारा एक ड्यूल कैमरा है दोस्तों, ये ट्रिपल था, ये ड्यूल है। यहाँ पे 16 MP और 2 MP का हमको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों एक कॉम्बिनेशन, जिससे हमको यहाँ पे ड्यूल डेप्थ मोड का हमको यहाँ पे ये मिलेगा दोस्तों पोर्ट्रेट मोड का। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं चिप सेट की, तो यहाँ पे दोस्तों वो लोग वापस यूज कर रहे हैं किरिन 980 चिप सेट, जो है होनर का खुद का प्रोसेसर, जैसे स्नैपड्रैगन मीडियाटेक है वैसे इनका होनर का जो खुद का प्रोसेसर है किरिन 980 चिप सेट, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है दोस्तों। तो वही दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए दोस्तों, मतलब मिनिमम बैटरी का कंजम्पशन के लिए यहाँ पे उन्होंने प्रोसेसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 2x A76 के हमको दो प्रोसेसर, मतलब दो कोर क्लस्टर्स हमको यहाँ पे मिलेंगे 2.6 GHz के, टू क्लस्टर्स हमको मिलेंगे यहाँ पे 1.92 GHz के, और 4 क्लस्टर्स हमको यहाँ पे मिलेंगे 1.8 GHz के, मतलब 4 ये और 4 ये, जैसे हमको 8 हमको यहाँ पे क्लस्टर्स मिलेंगे। मतलब जब हमारा फोन ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा होगा दोस्तों तो यहाँ पे ये सभी क्लस्टर्स यहाँ पे ऑन हो जाएंगे, और जब भी हम ऐसा नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ ये 4 क्लस्टर हमारे यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, बैटरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये लोग इस प्रकार का यूज़ करते हैं। ये पहले भी किया है दोस्तों इन लोगों ने, जैसे मीडियाटेक लेके आया था हमारा X24 प्रोसेसर के अंदर, तो वही यहाँ पे भी उन्होंने वही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है दोस्तों। और यहाँ पे माली G76 का यहाँ पे एक GPU यूज़ हो रहा है दोस्तों, तो माली मतलब GPU तो माली का ही रहता है दोस्तों, मतलब मीडियाटेक के साथ जो आता है वही ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पे हमको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा दोस्तों। तो हमको यहाँ पे किरिन के प्रोसेसर के साथ देखते किस प्रकार का यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस आता है माली के अंदर। अगर मेमोरी की बात करें तो दोस्तों ये फोन हमको मिलेगा 2 वेरिएंट्स में, एक 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और यहाँ पे 8 GB रैम और 2x 228 और
टू 56 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों, तो आप देख लेना आपके लिए कौन सा सुटेबल है, उस प्रकार से आप इसको खरीद सकते हो। तो बहुत ही जबरदस्त फोन मेरे को अभी तक एकदम यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, जिस प्रकार इसकी स्पेसिफिकेशन है, मतलब यहाँ पे किरिन का 980 प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन के 845 को भी टक्कर से भी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर माना जाता है वो इन लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे एंड्रॉयड पाई का सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, मतलब वो जो है हमारा एंड्रॉयड पाई के साथ आ रहा है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, जो गूगल का अभी अभी लॉन्च हुआ है वो वर्जन है। और यहाँ पे मैजिक यूआई के साथ ये एंड्रॉयड पाई पैच होके आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर, जैसे एंड्रॉयड पाई के साथ ये मैजिक ओएस इन लोगों ने पैच किया है, तो इससे हमको बहुत ही मतलब एनहांस्ड फीचर यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, 3500 mAh के हमको लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है दोस्तों। तो इस इधर में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हो दोस्तों, क्योंकि अगर आप 25,000 का फोन अगर आप बेच रहे हो तो यहाँ पे बैटरी कुछ बेटर होनी चाहिए थी, 4000 तो मिनिमम होनी चाहिए थी, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बाकी स्मार्टफोन वाले बैटरी बहुत ज़्यादा दे रहे। पर ठीक है दोस्तों, इन लोगों ने बाकी कैमराज के अंदर बहुत मतलब ट्रिपल कैमरा दिया है 25,000 में, तो बहुत बड़ी बात है वो, जिससे मतलब बहुत सारा इफेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक सुपर चार्ज 40W का चार्जिंग इन्होंने चार्जिंग फास्ट दे दी दोस्तों। यहाँ पे भले हमको उन्होंने मतलब बैटरी का कम दिया होगा पावर मतलब कैपेसिटी, पर यहाँ पे उन्होंने सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी दी है दोस्तों, जिससे ये जो स्मार्टफोन है मैक्सिमम 50 to 60 मिनट में चार्ज हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 40W का चार्जर मतलब बहुत स्पीड में इसकी चार्जिंग होने वाली है, जो हवाई की सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी उसके साथ ही आने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करें तो हमको यहाँ पे ड्यूअल 4G मिल जाता है, और जिसकी जो मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड जो रहेगी वो 1400 mbps रहेगी, और अपलोड स्पीड जो रहेगी वो 200 mbps रहेगी। और यहाँ पे जो USB टाइप सी का पोर्ट हमको मिलेगा, मतलब चार्जिंग का एक ही पोर्ट रहेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपको हेडफोन्स लगाने के लिए कोई पोर्ट दिया नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको एक कन्वर्टर मतलब बॉक्स के अंदर मिलेगा, जिससे आप आपका 3.5 mm का जो जैक है वो सीधा डायरेक्टली उस पोर्ट में कनेक्ट करवा के यूज कर सकते हो। और बाकी ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो 5.0 है, और यहाँ पे मिक्स अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो लेके आ गए है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर सिंगल बॉटम फिंगर स्पीकर, जो इनबिल्ट फिंगरप्रिंट जो स्पीकर है, जो मतलब इनबिल्ट फिंगरप्रिंट का जो फीचर है दोस्तों, जो अभी अभी वीवो के स्मार्टफोन में आया था वो इन लोगों ने कॉपी कर लिया दोस्तों, और ये लोग भी अभी वो इनबिल्ट फिंगरप्रिंट फीचर का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे कहीं तो भी वो डिस्प्ले का रहेगा फिंगरप्रिंट, तो ठीक अच्छी बात है दोस्तों, जिससे स्मार्टफोन की साइज भी कम होगी। इस प्रकार हमको बॉक्स के अंदर कुछ मिलेगा दोस्तों, ये हमारा मेन डिवाइस रहेगा, ये उसके साथ एक बैक कवर आएगा, और ये जो ये चार्जर है ये 3.5 mm का जैक है जो हमको लगाने को लगेगा, मतलब एक OTG केबल टाइप आएगा। और यहाँ पे एक डाटा केबल है, सी टाइप डाटा केबल है, सी पोर्ट के साथ आएगी सी टाइप के। सो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे क्या है। जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं दोस्तों, किस इस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, यहाँ पे फुल डिस्प्ले हमको मिलेगी, और यहाँ पे एक बॉटम स्लैब रहेगा जो ऊपर स्लाइड करेगा, जब भी आप कैमरा वगैरह कुछ ओपन करोगे या कॉल करोगे तो यहाँ पे स्पीकर हमको मिल जाता है, और ये फ्लैश और ड्यूअल कैमरा। जैसे हम आगे जाते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार यहाँ पे सुपर एमोलेड हमको डिस्प्ले मिल जाता है, और ये ड्यूअल 4G के साथ आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे जो स्पीकर है, यहाँ पे ये दो कैमरा है, और ये एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्लैश है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है 2 16 MP का कैमरा है, 24 MP का कैमरा है, और ये फ्लैश है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार रहने वाला है हमारा ट्रिपल कैमरा, और ये कुछ इस प्रकार हमारा स्मार्टफोन पूरी तरह आएगा। कुछ इसके पिक्चर से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लेंदी करना नहीं चाहता। और देख सकते कुछ इस प्रकार आने वाला है हमारा, मैं आपको जूम करके डिटेल में बताता हूँ। देख सकते कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों ये स्मार्टफोन। ये हमको सिम ट्रे और माइक्रो एसडी कार्ड का ट्रे मिल जाता है, और मैं नेक्स्ट में जाने भूल गया। तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों ये, यहाँ पे होनर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे बॉटम में स्पीकर रहेगा, ये सीट टाइप पोर्ट, और ये माइक होगा, शायद माइक ही होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार फिनिश है दोस्तों, यहाँ पे एक 24 MP का कैमरा है, ये 2 16 MP के कैमरे है, और यहाँ पे ये एक फ्लैश लाइट है। तो कुछ प्रकार इस प्रकार एक सॉलिड फिनिश यहाँ पे दिए दोस्तों इन लोगों ने, तो बहुत ही जबरदस्त इसका डिजाइन है दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका डिजाइन।
कुछ इस प्रकार था दोस्तों ये फोन। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ ये फोन है, और यहाँ पे इसका 360 व्यू में भी दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं किस प्रकार ये स्लाइड करता है ऊपर, इस प्रकार कुछ स्लाइड होने वाला है। ये स्लाइड हो गया, ये वापस अंदर चला गया। तो बहुत ही जबरदस्त फोन मेरे को लगा दोस्तों ये। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करो दोस्तों। और मैं बता देता हूँ कि ये जो फोन है दोस्तों अभी तक इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, तो मे बी 10th January के पहले पहले ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप कुछ नया यूज़ करना चाहते हो दोस्तों, मतलब वही नॉच डिस्प्ले वही यूज़ नहीं करना चाहते, कुछ नया ट्रिपल कैमरे का फीचर्स वगैरह, कुछ इनबिल्ट डिस्प्ले अगर यूज़ करना चाहते हो, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। इस प्राइस रेंज में आपको ये लगभग 25,000 रुपये इसका प्राइस रहने वाला है, कन्फर्म तो अभी तक पता नहीं, पर ये बता देता हूँ मैं 25,000 से 30,000 के अंदर इसका प्राइस आएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा रख नहीं सकते, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में वन प्लस वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन आ गए दोस्तों। पर इसका खुद का एक एडवांटेज है दोस्तों, एक स्लाइड का जो स्लैब है नीचे आता है, बाकी इनबिल्ट फिंगरप्रिंट फीचर है, सुपर एमोलेड है, फास्ट चार्जिंग है, तो ये सब फीचर के कारण इसको ये टफ कॉम्पिटिशन है दोस्तों मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन है उनके लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो दोस्तों, और मैं इसके बाय करने के लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको खरीदना हो तो वहाँ से आप खरीद सकते हो दोस्तों। और प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।